नमस्कार, स्वागत है आपका। चार की चौसर देख रहे हैं आप। चार की चौसर में मैं आपके साथ कांक्षा राजपूत और मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावता। चार बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को अब सुनवाई की जाएगी। तो आपको यह भी बताएं कि देखिए, सदन में अखिलेश पर सीएम का आज पलटवार देखने को मिला है। बोले हैं यूपी में है कानून का राज। ये भी अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर जवाब भी यहां पर दिया गया सरकार की तरफ से। बिल्कुल, और इसके साथ राजभर भी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि राजभर के बोल तीखे हो गए हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश के परफॉर्मेंस को लेकर यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन घोटाले के दोषियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, बोलो दोनों डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश पाठक। तो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर फोकस चार की चौसठ में हमारा रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। डिंपल यादव, कपिल सिब्बल हो सकते हैं सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सपा जावेद अली आलोक रंजन को भी बना सकती है प्रत्याशी, ये भी बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन। तो आपको ये बताएं कि 10 जून को 15 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर ये है कि आपको बता दें, देखिए पवन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, देखिए 15 राज्यों की 57 सीटें हैं जहां पर 10 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये मिल रही है कि सपा डिंपल यादव और कपिल सिब्बल को प्रत्याशी बना सकती है। बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कपिल सिब्बल, जावेद अली और आलोक रंजन तीन नाम पहले फाइनल किए गए थे, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने डिंपल यादव को लेकर के अखिलेश यादव से बात की कि डिंपल यादव को राज्यसभा को भेजना चाहिए। उसके बाद ये माना जा रहा है कि डिंपल यादव का नाम फाइनल हो गया है। तीन सीट समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से जीत सकती है क्योंकि उसके पास तीन सीट जीतने के लिए बहुमत है। चौथे भारतीय जनता पार्टी को भी संघर्ष करना है और समाजवादी पार्टी को भी संघर्ष करना है। लिहाजा समाजवादी पार्टी चाहती है कि कपिल सिब्बल चौथे प्रत्याशी के रूप में हो ताकि कांग्रेस अलग अलग पार्टियों से अपने संबंधों के लिहाज से, चाहे वो अपनी बात करें आरएलडी की बात करें, उनमें से वोट लेकर के और उनको चुनाव जिताने का काम कर सकती है। पिछली बार भी कपिल सिब्बल इसी तरीके से जो घटा करके वोट पाने का काम किए थे और राज्यसभा जाने का काम हुआ था। लिहाजा इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यानी कि कांग्रेस का समर्थन कर सकती है समाजवादी पार्टी और यहां पर कपिल सिब्बल को जगह दी जा सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुक करते हैं हम एक और बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले पर। ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी वाद पर 26 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास कोर्ट की ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। ऑर्डर 7-11 पर पहले सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी दी जाएगी और जो सर्वे टीम के सबूत है उनका पहले अध्ययन किया जाएगा। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। आपको ये बता दें केस की वैधता पर 26 मई को सुनवाई होगी। आपत्ति दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी मांगा गया। दोनों पक्षों को कॉपियां उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस दौरान कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगते हुए भी नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनिए उसके बाद बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7-11 का केस की पोषणीयता पे 26-11 को 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा। जी। तो याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया? आज कोई
पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7/11 पे सुनेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे। मदन मोहन जी आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कोर्ट से बाहर निकलते ही हिंदू पक्ष की तरफ से वादी महिला महादेव की भक्ति में लीन नजर आई। उन्होंने गाकर ये कहा कि महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है।